तो MI एडवेंचर टूर रांची में आपका एक बार फिर स्वागत है। और हमारे ये सारे दोस्त बिजी सामान को पैक करने पे, और यहाँ मैं रात को ठहरा था यहाँ पे, और हम ऐसे रहने वाले हैं रांची झारखंड के, और कंटिन्यूस गाड़ी चली है यहाँ दिवाली तक। कल रात को पहुँचा था और यहीं पे स्टे लिया था, और अब स्टे होने के बाद अब सुबह हम यहाँ से नैनीताल की ओर जा रहे हैं, और नैनीताल पे आज स्टे भी होगा और सभी तालाबों पर हमें हमारा घूमना भी होगा। और ये सब सामान पैक ये हमारे लिए भाई गुड्डू भाई और बबलू भाई सब पैक कर रहे हैं हमारे सामान को, अपने सामान को। और ये बेहतरीन मूवमेंट, ये बेहतरीन नज़ारा जो यादगार पल रहेगा। और अब हम यहाँ से अब गाड़ी में हम बैठते हुए और एंजॉय करते हैं हमारे गप्पे शप्पे मारते हुए। और अब हमारे ये बबलू भाई थोड़ी देर के लिए ड्राइवर बन गए हैं। वैसे ये ड्राइवर बहुत बढ़िया है, लेकिन क्राइसिस पे होने पे काफ़ी बढ़िया सूझबूझ से चलाते हैं और दिमाग भी काफ़ी अच्छा देते हैं। और हमारे जो मेन ड्राइवर वो पीछे बैठ गए हैं और ये गुड्डू भाई छुप के बैठे हैं। तो हम सब आपस में बात करते हुए और वहाँ पहुँचने के बाद क्या क्या करना है, अब थोड़ी सी यहाँ पे फ्रंट कैमरा को सेट करते हुए और सवेरे ताज़गी भरी घूमने का जो उत्तराखंड का जो सचमुच देवभूमि बोलते हैं, वाकई में ये स्वर्ग है अपने इंडिया का, काफ़ी खूबसूरत है। जो उत्तराखंड ना घूमा हो कहीं नहीं घूमा हो। यहाँ पे पहाड़ भी हैं, प्लेन रास्ते भी हैं, नदियाँ भी हैं, काफ़ी बेहतरीन। मैं तो बोलूँगा जब भी आप घूमो तो उत्तराखंड जरूर आओ। और हम रांची होते हुए, हम दिल्ली ना होते हुए, हम सीधे सीतापुर यूपी सीतापुर होते हुए, हम हल्द्वानी होते हुए पहले उत्तराखंड जाते हैं, उसके बाद फिर हिमाचल, फिर कश्मीर इन करते हैं। ये तीन डेस्टिनेशन हमेशा जब भी मैं आया हूँ, तीन बार मैं आया हूँ और तीन बार जो इन्जॉयमेंट होता है हमारा, काफ़ी खूबसूरत यादगार लम्हा। यहाँ पे हमारी थोड़ी सी माइक ख़राब हो गई थी तो मुझे बैकग्राउंड से यहाँ पे कमेंट्री करनी पड़ रही है। तो सब आपस में हम सब बात करते हुए, वीडियो बनाना भी एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग है, वैसे तो बहुत बड़ा, मुझे मैं एडिटर नहीं हूँ या मुझे जानकारी नहीं है, पर फिर भी जितना आता है मैं करता हूँ, हेल्प लेता हूँ। तो काफ़ी खूबसूरत लम्हा अपने कैमरा को सेट करते हुए फ्रंट कैमरा, और हम जाते हुए धीरे धीरे, और ये बेहतरीन नैनीताल जाने से पहले ये एक वैली मिलेगा जो काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी हरियाली। ये हमारा अप्रैल में ट्रिप था जो काफ़ी खूबसूरत और हरियाली, यहाँ पर उस समय टूरिस्ट भी बहुत कम होते हैं, और मैं जब भी घूमता हूँ तो जिस ऑक्टिक होता है उसमें घूमने का एक बार मज़ा ही कुछ और, काफ़ी बढ़िया। और ये वैली में घूमने का बात ही कुछ और है, इतना हरियाली का मत पूछो, आँख को ठंडक, कलेजे को ठंडक, सभी कुछ ठंडक, बहुत बेहतरीन। क्या बोलना है, क्या कहना, क्या उत्तराखंड का कहना, जितना भी घूमो कम है। कश्मीर सबका एक अलग है, कश्मीर का अलग है, पहाड़ हैं लेकिन यहाँ के पहाड़, यहाँ पे हरियाली कुछ और है। कश्मीर में उतनी हरियाली नहीं मिलेगी आपको, पहाड़ों नदियाँ मिलेंगी, लेकिन यहाँ पे पहाड़ नदियाँ हरियाली ये बिल्कुल हमारे झारखंड से मिलता जुलता ये जगह है, और काफ़ी याद भी आता है आने के बाद अपने झारखंड की, बहुत ही खूबसूरत उमदा नज़ारा, मानो जन्नत क्या है बेहतरीन।
कि रोड देखिए उत्तराखंड के लगभग आप कभी भी आएंगे तो रोड आपको काफ़ी बेहतरीन मिलेगा देखने को। अभी तक हमें कहीं भी ख़राब रोड नहीं मिला है, एक चीज़ का मैंने गौर किया, काफ़ी बेहतरीन एकदम मक्खन माफिक रोड है यहाँ पे। बस वही थोड़ी टर्न है, थोड़ी ध्यान से गाड़ी चलानी पड़ती है क्योंकि यहाँ पे लोग जो है ना काफ़ी रफ गाड़ी भी देख रहा हूँ चलाते हैं, तो ज़्यादा लोग यहाँ पे एल्टो हिमाचल उत्तराखंड और कश्मीर एल्टो काफ़ी यूज़ करते हैं और काफ़ी यूज टू भी है इस पहाड़ी क्षेत्र में क्योंकि चौड़ाई रोड की बहुत कम होती है। तो अच्छा मूव भी और एक अच्छा डेस्टिनेशन नैनीताल, वहाँ पहुँचने के बाद हम उस जगह पे अपना ये भी करेंगे, तालाब में मूवमेंट भी है, लेक में घूमना भी है, देखते हैं कि वो लोग लेक कैसा इंजॉय है। और ये हमारा चैनल का नाम है MI एडवेंचर टूर रांची, ये हमारा एक सिंगल चैनल है जो आपको सारी जगह कश्मीर उत्तराखंड लद्दाख हिमाचल का वीडियो देखने को मिलेंगे। बाकी आप झारखंड के कोई भी चैनल आप उठा लीजिए, यूट्यूबर है उसके यूट्यूब चैनल में ये सब चीज़ नहीं मिलेगा आपको। लोग गाड़ी में घूमते हैं, सिर्फ दौड़ाते हैं गाड़ी को, लेकिन इतना हार्ड टचिंग वीडियो आपको देखने को नहीं मिलेगा। लगातार नई वीडियो देखते रहने के लिए आपको इससे लगातार आपको सब्सक्राइब करें तो आपको नई नई वीडियो हमेशा आपको मिलती रहेगी। Oh,
और ये ब्यूटीफुल हाईवे और मक्खन माफी के ये रोड, गाड़ी में एक भी चर्क नहीं और हम एंजॉय करते हुए रास्ते पे दोनों ओर ये छोटी सी हरियाली, मस्त हरियाली का एंजॉय करते हुए और हम धीरे धीरे अपने डेस्टिनेशन के नज़दीक पहुँचते हुए और ये खूबसूरत लम्हा हर चीज़ से दूर घर बार छोड़कर हम यहाँ पे घूमने को निकले हैं। और जब भी मैं घूमने को निकलता हूँ तो अपना फ़ोन को स्विच ऑफ कर देता हूँ ताकि कुछ किसी तरह का डिस्टर्बेंस ना हो। 15 दिन से 20 दिन का हमारा समय टूर रहता है। अब घूमो तो पूरा बिंदास, फुल टू मस्ती। और हम ये हल्द्वानी को क्रॉस करते हुए नैनीताल की ओर और यहाँ से नैनीताल मुझे नहीं लगता है कि 2 से 2.5 घंटे का रास्ता होगा। और सड़कें काफ़ी साफ और काफ़ी हरियाली और काफ़ी खूबसूरत से हरिए अपना उत्तराखंड। जनरली इसे लोग बहुत पसंद नहीं करते हैं, चार धाम के नाम से जानते हैं, लेकिन यहाँ पे ये काफ़ी अच्छा टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है, ये वर्ल्ड फेमस। और ये स्टेडियम बहुत बेहतरीन, मुझे तो मैं जितना भी घूमा हूँ, कश्मीर में घूमा हूँ, लद्दाख में घूमा हूँ, लेकिन उत्तराखंड के जैसा मुझे अभी भी खूबसूरत और कोई जगह लगा नहीं है। कश्मीर भी अच्छा है पर पता नहीं उत्तराखंड में मुझे क्या, मैं भी बोलता हूँ उत्तराखंड क्यों पसंद है मुझे भी नहीं समझ, लेकिन वाकई मैं जब भी घूमने को निकलता हूँ तो मैं यहाँ से उत्तराखंड होते हुए ही कश्मीर और लद्दाख का टूर करता हूँ। तो काफ़ी खूबसूरत इन्जॉय करते हुए हम चार दोस्त अपना जाते हुए, ये उत्तराखंड का टूर है, ये यहाँ से उत्तराखंड, उत्तराखंड से फिर हिमाचल, नहीं उत्तराखंड से फिर कश्मीर और कश्मीर से फिर लद्दाख और लद्दाख से हिमाचल होते हुए फिर अपने घर की ओर। ये सब में लगभग 15 से 20 दिन हमें लग जाता है। और ये कार की हमारी स्विफ्ट VXi जो 2010 का मॉडल है, काफ़ी बेहतरीन ये परफॉर्मेंस देते हुए अभी तक कभी भी कोई खराबी नहीं है। लोग बोलते हैं लद्दाख में नहीं जा पाएगी, लद्दाख को भी हमने फोन कराया, काफ़ी खूबसूरत, किसी तरह का अभी तक कोई भी ट्रबल मुझे नहीं हुआ। और वैसे भी मारुति काफ़ी विश्वास, हर जगह उसकी सर्विसिंग आसानी से हो जाती है, काफ़ी बेहतरीन। वीडियो एडिट करना और डालना ये भी एक चैलेंज, म्यूज़िक खोजना, सीन के हिसाब से म्यूज़िक को डालना इतना मुझे नहीं आता है। मैं कोशिश करता हूँ मैं आपके लिए एक अच्छा वीडियो बनाऊँ। लगातार आप अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को, MI एडवेंचर पूरा राशि हमारा चैनल है। और इस तरह आप लोगों का प्यार मिलता है तो ये चैनल आगे भी बढ़ेगा और नई नई वीडियो लेकर हम आएंगे। हमारे चैनल में लोकल वीडियो मिलेगा, जितने भी टूरिस्ट प्लेस हैं, जो खास करके जहाँ पे झरने हैं, वैसे हमारा भी झारखंड में काफ़ी झरने हैं, लेकिन ज़रूरत है उसे थोड़ा आगे बढ़ाने की, स्पॉन्सर्ड करने की, प्रचार करने की, उतना सरकार भी उतना ध्यान देती नहीं है। पर हम यहाँ के रांची के लोकल हैं और हम जब भी मौका मिलता है तो हम ज़रूर जाते हैं, पर लंबे टूर में जाने का बात ही कुछ और है। सड़कें में लोग अपना खुद शिकंजी वगैरह काफ़ी ऐसे टूरिस्ट प्लेस है, ये रूटी है नैनीताल जाने के लिए काफ़ी देखते हैं। और गर्मी का मौसम है, यहाँ पर ठंड जैसा है खास, जैसे धीरे धीरे टेम्परेचर अब यहाँ काफ़ी बढ़ रहा है, आबादी भी बढ़ रही है, लोगों का ये जंगल छोटे होते जा रहे हैं, कॉन्क्रीट का जंगल बढ़ते चले जा रहे हैं, अब ये नदी सूखी हुई पानी के लिए काफ़ी बेहतरीन नज़ारा।
यहाँ से तंग गली होते हुए अब यहाँ से हम राइट जाएंगे, आगे एक हमें बोर्ड मिलेगा, यहाँ से नैनीताल के लिए। यहाँ लेफ्ट हल्दीवानी, यहाँ से राइट नैनीताल। दिल्ली वाले को उधर जाएंगे तो वो रास्ता यूज़ करेंगे और हम इधर से जाएंगे यूपी होते तो ये हमारे लिए रास्ता नैनीताल सताल ले काफ़ी ऐसे जगह है। हमारा था इंडोर कार के अंदर का सीन। बाहर की सड़कें काफ़ी खूबसूरत और बेहतरीन, कहीं भी आप देखते होंगे वॉच करते होंगे एक भी कहीं भी रोड ख़राब नहीं मिला है हमें अभी तक। तो रास्ता ख़राब हो तो मज़ा ही कुछ और होता है चलने का। बहुत को ऑफ रोड पसंद है, बहुत को स्मूथ पसंद है, हमें तो भैया स्मूथ ही पसंद है। ऑफ रोड एक लिमिट तक होता है, ऑफ रोडिंग में मज़ा तो है पर गाड़ी ख़राब होने का भी ख़तरा कुछ और ही है। तो अपना सफ़र भी सेफ हो जाए, आपको ऑफ रोडिंग में गाड़ी ख़राब होने में कुछ घटना घटने में इंजॉयमेंट मिलता है। खैर उनका अपना अपना पसंद है, पर हम तो अपना लिमिट लेकर आए हैं और लिमिट से अपने अच्छे से पहुंच भी जाना है। अब यहाँ से नैनीताल में आए, बोर्ड जो दिखा रहा है काफ़ी सड़कें सन्नाटा था फंस रही हुई, और ये ट्रकों वालों से तो बच ही गया ना भैया, ये जब चलते हैं ना तब छोटी गाड़ियों को सुनते ही नहीं है, तो रोड में ही हमें बढ़िया बना देंगे ये। और देखिए पास भी जल्दी देते नहीं है ये। ट्रक आते हुए ऐसे हल्द्वानी इनका उत्तराखंड का मेन डेस्टिनेशन भी है, क्योंकि सारा सप्लाई उत्तराखंड में यहीं से होता है। अब ये पास मिल गया हमें, और ये हरियाली देखिए हमारे बाई और दाई और हम सब इंजॉय करते हुए कहीं बीच में कहीं मिलकर उतर कर अभी अब थोड़ा सा मज़ा लेंगे। वीडियो बनाना भी एक कला है, काफ़ी सब मूड पे हमारे दोस्त लोग और हमारे ये जो ड्राइवर अली भाई फ़ोन में बात करते हुए और ये व्यक्ति का साइन गुडू भाई दिखाते हुए काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। अरे हमारे बबलू भाई ये तो अपने सुबह गए हैं, कैमरा के बहुत शौकीन फ़ोटो खिंचवाने के और घूमने के भाई नहीं। और ये देखें हमारे ये चार दोस्त यहाँ उतर के थोड़ी सी हमारी मस्ती करते हुए, वाह क्या मज़ा है, काफ़ी बेहतरीन। और सब अपने अपने फ्रेंड के साथ मस्ती करते हुए सब इंजॉय करते हुए काफ़ी ठंडक इस जगह पर काफ़ी बेहतरीन। फुल टू मस्ती इसे को कहते हैं, हर चीज़ से बेखबर। और यहाँ हम चार मस्ती करते हुए ये हल्द्वानी में, और ये उत्तराखंड का ये हमारा पहला पार्ट है, सेकेंड पार्ट भी बन रहा है तो जल्दी देखिएगा। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। हमारे झारखंड भाई झारखंड के भाइयों से
पूरा मज़ा लीजिए, इंजॉय कीजिए हमारे साथ। फुल मस्ती, और तब तक के लिए सेकेंड वीडियो का इंतज़ार कीजिए, और पसंद आए तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। हमारा चैनल का नाम MI Adventure Tourer and Ranchi। बाय।